सिंध पंजाब और बलूचिस्तान में तालीमी इदारे आज से खुल गए हैं। छुट्टियों के बाद नए तालीमी साल का आगाज़ हो गया है। लाहौर में सुबह सवेरे बच्चे अपने बैग उठाए स्कूल पहुंच गए हैं। आज पहले रोज़ क्या सूरत हाल है और बच्चे कितनी तादाद में स्कूल आए हैं, इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे वहीद गुजर से। वहीद बताइएगा कि इतनी लंबी छुट्टियों के बाद आज पहला दिन है, बच्चे आए हैं स्कूल या आज भी छुट्टी कर ली है? जी देखिए, बच्चों की मौजूद जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं। यकीनन एक बड़ा लंबा अरसा जो है छुट्टियां का होता है मौसम गर्मा का, और उसके बाद जो है आज पहला रोज़ा बच्चे जो हैं अपने बैग उठाए जो हैं स्कूल्स पहुंचना शुरू हो चुके हैं। बच्चों के लिए दरवाज़े स्कूल्स के खुल चुके हैं, मगर मैं बताता चलूँ चूँकि आज पहला रोज़ है, पहले रोज़ बच्चों की उस तरह से वो तादाद नहीं है, और मगर जितने भी बच्चे हमें मिले जिनसे हमने बात करने की कोशिश की वो काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दिए। उनका कहना था कि घर में बैठे बैठे काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुके थे, अब स्कूल्स खुल चुके हैं, दोस्तों के साथ बैठ कर जो है अपनी पढ़ाई को दोबारा से जहाँ से छोड़ी थी वहीं से जो है वो आगाज़ करेंगे। मगर साथ साथ बताता चलूँ कि जो अब बच्चे छोटे हैं उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की, उनके चेहरों पर काफ़ी ज़्यादा उदासी थी क्योंकि ढाई तीन महीने की छुट्टी के बाद सुबह सवेरे उठना फिर स्कूल आना छोटे बच्चों के लिए यकीनन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, वालदैन के लिए भी उनको उठाना फिर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का बायस बनता है। मगर चूँकि पढ़ाई तो करनी है, आगे बढ़ना है, पाकिस्तान का नाम रोशन करना है, तो स्कूल्स के दरवाजे जो आज खोल दिए गए हैं, बच्चे जो हैं स्कूल्स पहुंचे ज़रूर हैं मगर तादाद जो है इंतहाई कम है, और लग ऐसा रहा है कि आगे हफ्ता और इतवार भी जो है इतना ज़्यादा जो है रश दिखाई नहीं देगा, तादाद कम ही होगी। मंडे से जो है जाकर क्योंकि लाहौरी जो हैं लाहौरी बच्चे वो भी जो हैं अपने बड़ों के ऊपर बड़ों के साथ साथ जो है जिस तरह से वो छुट्टी को मिक्स कर लेते हैं हफ्ता इतवार की वो भी साथ मिला लेंगे, मंडे वाले दिन जो है उम्मीद की जा रही है तो की जा रही है कि मुकम्मल तौर पर जो स्कूल्स बच्चों की तादाद से अभी कम दिखाई देते हैं उनमें भी तादाद मुकम्मल हो जाएगी। मगर इस वक्त स्कूल्स में बच्चे जो हैं अपनी तलीम को जारी रखे हुए हैं, आज छुट्टियों के बाद पहला दिन था, बच्चे जो है हंसी खुशी जो हैं जितने हमसे बच्चे मिले जिनसे बच्चों से हमने बात की वो काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दिए, और आज सुबह 8 बजे स्कूल लगे हैं और 1:30 बजे का टाइम जो है वजारत तलीम की जानिब से दिया गया था कि 1:30 बजे जो है बच्चों को छुट्टी दी जाएगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आज पहला दिन है और बच्चे जो हैं वो बहुत कम तादाद में आए हैं, और यकीनन जिस तरह से आपने कहा कि बड़े भी कोशिश करते हैं कि एक ही दिन रह गया है तो 2 दिन कम्बाइन कर लें और ये छुट्टी थोड़ी और लंबी हो जाए, तो जो बच्चों के वालदैन हैं वो क्या कह रहे थे, क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा बच्चों को सुबह सुबह जगाने में? जी देखिए, बच्चों के जो वालदैन हैं उनसे तो हमारी जब बात हुई तो उनका कहना था कि जो छोटे बच्चे हैं मिसाल के तौर पर 1, 2, 3 क्लास के जो बच्चे हैं उनको उठाते जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी है क्योंकि सुबह सवेरे रात को छुट्टियों में हमने देखा कि अमूमी तौर पर बच्चे जो है रात को लेट सोते थे और फिर रूटीन सारी ख़राब हो जाती है छुट्टी के दिनों में, और सुबह सवेरे उनको उठाने में काफ़ी ज़्यादा उनको मुश्किल भी हुई। मगर जो बड़ी क्लास के बच्चे हैं जिसमें से 6वीं, 7वीं, 8वीं क्लास के जो बच्चे हैं उनसे जो हमारी बात हुई वो अलबत्त काफ़ी ज़्यादा खुश थे, उनका कहना था कि घर में बैठ कर नजर आ रहे हैं लेकिन छोटे बच्चों का मूड अभी भी खराब है। बहुत शुक्रिया वहीद गुजर अपडेट करने के लिए।